हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल ब्लॉग में। तो आज हम करने वाले हैं 3 लीटर गीजर के रॉड चेंज करेंगे, जो ये क्रॉम्पटन ग्रीज कंपनी का गीजर है। तो इसमें प्रॉब्लम रॉड की है और रॉड चेंज करेंगे। पहले इसके आउटर बॉडी को खोलते हैं। इसमें 2 इंडिकेटर लगे हुए हैं, तो इन दोनों इंडिकेटर के अंदर से LED को बाहर निकाल लेना है, वो टूट भी सकती है। तो LED निकालने के बाद इस कवर को साइड में करना है। और इसमें आपको टैंक दिख रहा है, टैंक में ये दो, एक थर्मोस्टेट है और एक ओवरलोड स्विच की तरह काम करता है। तो इसको आपको निकालना है, निकालने के बाद उसको आपको खोलना है। ये जो पत्ती दिख रही है, इस पत्ती में एक नट लगा हुआ है, तो इस नट को खोलने के बाद ही आपका टैंक बाहर आएगा। तो ये निकाल लिए हैं। और इस जो हमारा ये बैक साइड का ये है, तो इस बैक साइड में भी एक पेच होता है, तो इस पेच को आपको निकालना ज़रूरी है, नहीं तो हमारा ये टैंक बाहर नहीं आएगा। तो इसको निकालते हैं। और दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, ना लगी हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो फटाफट हम इसकी खोलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, मैंने सारे बोल्ट खोल लिए हैं और गीजर की जो असेंबली है, हम इस असेंबली को बाहर करते हैं। और आपको ध्यान देना है कि इसमें एक रबड़ सी लगी हो और रबड़ कटे ना, नहीं तो ये इसमें दिक्कत आ सकती है। तो ये 3 किलोवाट का ये रोड में यहाँ पर होल हो गया। होल होने की वजह से इसमें करंट लीकेज हो रहा था, मतलब ख़राब हो गया है। तो हम इसको चेंज करेंगे। ये रॉड आपको दिखाई दे रही होगी, तो ये ख़राब हो गई है। तो हम इस रॉड को खोलेंगे और खोलने के बाद हम दूसरी रॉड इसमें लगाएंगे। तो इस तरह से आप इसको भी खोल भी सकते हो। तो फटाफट हम रॉड इसमें लगाते हैं। तो ये 3000 वाट की ये रॉड है, 3 किलोवाट 3000 वाट होता है। तो ये रॉड मुझे मेरे हाथ में आपको दिख रही है। तो फटाफट हम इसको टाइट करते हैं, और टाइट कैसे करना है उसको भी आपको दिखाता हूँ। तो रोड इसमें ऊपर से नहीं डलती, इसमें टैंक के अंदर से रोड डलती है। और टैंक के अंदर से रोड डलने के बाद आपको इसमें बीच में एक नट लगा होगा, तो अंदर से आपको रॉड लगाना है। और रॉड लगाते समय भी ध्यान देना है आपको कि इसके जो रबड़ वार्सर को आपको अच्छी तरह से लगाना है, और इस तरह से आपको टाइट कर देना है। तो फटाफट हम इसको टाइट करते हैं, इसके बाद आपको आगे दिखाते हैं। तो दोस्तों, मैंने गीजर की जो रॉड है मैंने उसको लगा दिया है। अब असेंबली करते हैं इसकी, आउटर जो असेंबली बॉडी है। तो इसको फटाफट हम इसके सारे स्क्रू हैं, बोल्ट हैं, ये लगा देते हैं फटाफट, और इसको टाइट करने के बाद आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, हमारी असेंबली टैंक के साथ सेट हो गई है, और हम लगाते हैं इसमें थर्मोस्टेट आपको प्रॉपर तरीके से लगाना है, जो जिस साइड था उसी साइड लगाना है, जैसे आपने निकाला होगा उसी साइड आपको लगाना है। और इसकी वायरिंग डायग्राम मैं इसमें आपको दे दूंगा, और आपको दिखाई भी दे रहा होगा कि वायरिंग डायग्राम किस तरह से आपको करना है। तो आपको इसी तरीके से वायरिंग डायग्राम करना है जैसे इसमें दिखा रखा है, और आपने अगर खोला होगा तो आपको पता भी होगा कि कैसे कैसे वायरिंग है इसमें। तो आप इसी हिसाब से अपनी इस वायरिंग को कर सकते हैं, और वायरिंग करने के बाद आपको एक बार चला के भी देखना पड़ेगा। और ध्यान रहे कि इसको बस आपको दो सेकंड के लिए आपको चलाना है, ज़्यादा चलाओगे तो उसमें पानी नहीं रहेगा तो फूक जाएगा आपका हीटर ही। तो
दो सेकंड के लिए आपको सिर्फ चेक करना है कि दो इसमें सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही है। तो हमारी ये कनेक्शन मैंने इसमें प्रॉपरली कनेक्शन कर दिया है, और ये बैक साइड का इसमें पेच लगाना ज़रूरी है, नहीं तो आपका ये टैंक गिर सकता है। तो ये पेच लगा दिया है, और इसके ऊपर की जो ये पत्ती है, तो इस पत्ती को भी आपको बढ़िया तरीके से उसको टाइट कर देना है ताकि इसका टैंक गिरे ना और मजबूती रहेगी। तो कनेक्शन करने के बाद आपको ये टैंक प्रॉपर तरीके से टाइट करना है, और टैंक टाइट होने के बाद आपको ऊपर का कवर है जो कवर लगाना है। तो हम पहले इसको सेट कर लेते हैं। टैंक लगाने के बाद आपको ध्यान देना है इसके चारों तरफ ये जो रुई सा आपको दिखाई दे रहा होगा, ये ग्लास पूल है जो हीटिंग को बाहर जाने नहीं देता। तो इस ग्लास पूल को आपको टैंक के ऊपर अच्छी तरह से लगा देना है, जो भी इसमें निकला हो, बचा कुचा भी जो भी हो, तो इसके ऊपर आपको टैंक के ऊपर बढ़िया प्रॉपरली तरीके से लगा देना है। इसके बाद आपको जो इसका फ्रंट कवर है, इसमें आपको इंडिकेटर सेट करना है। इंडिकेटर सेट होने के बाद इसको आप बढ़िया तरह से आपको सेट कर देना है, और सेट होने के बाद आपको एक बार चला के चेक करना पड़ेगा। तो इसको अच्छी तरह से सेट कर दें, और इसके पाइपों के दोनों के बीच में एक होल दिख रहा होगा, इसमें स्क्रू लगता है, तो इसको स्क्रू भी टाइट कर देना है। तो हमारा गीजर टाइट हो गया है, और आप देख सकते हैं प्रॉपर बढ़िया तरीके से टाइट हो गया, रोड भी चेंज हो गई है, और ये जो सेंटर वाला पेच है इसको भी आपको लगा देना है। तो हमारा ये गीजर ओके हो चुका है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।